हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट को किस तरह से डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर ऐसी कोई भी चीज़ जिसका अपना कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कहते हैं। हमारे आसपास में ऑलमोस्ट जितनी भी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, सबकी सब मैटर हैं, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ मास है और सारे के सारे कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो होता है मैटर। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, अब इस पेन का कुछ ना कुछ मास है और जब मैं इसको टेबल पर रखूंगी तो ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, इसका मतलब यह है मैटर है। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है। हमने पिछले वीडियो में प्योर सबस्टेंसेज एंड इम्प्योर सबस्टेंसेज पढ़ा थे कि प्योर सबस्टेंसेज क्या होते हैं और इम्प्योर सबस्टेंसेज क्या होते हैं। तो मैंने आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिया था कि जो मिल्क होता है, जो हम बाजार से मिल्क लेके आते हैं, क्या वह प्योर मिल्क होता है? जी नहीं, वह प्योर मिल्क नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योरिटी और इम्प्योरिटी का एक अलग ही मतलब होता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर सबस्टेंसेज का मतलब होता है कि ऐसे सबस्टेंसेज जो सेम टाइप के एटम से मिल के बने हों, या फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिल के बने हों, या फिर सेम टाइप के आयन से मिल के बने हों, उन्हें हम बोलते हैं प्योर सबस्टेंसेज। लेकिन हमारी डेली लाइफ में प्योरिटी का मतलब हम गुडनेस से निकालते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, इसका मतलब वह प्योर है, थे ना। लेकिन केमिस्ट्री में प्योरिटी का एक अलग ही मतलब होता है। ठीक है बच्चे, समझ में आया। एलिमेंट का मतलब होता है कि ऐसा सबस्टेंस जो सेम टाइप के एटम्स से मिलके बना हो। एलिमेंट का क्या मतलब है, ऐसा कोई सबस्टेंस जो सेम टाइप के एटम्स से मिलके बना हो। किससे मिलके बना हो, सेम टाइप के एटम्स से मिलके बना हो, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। प्योर सबस्टेंस और एलिमेंट में डिफरेंस है। आप प्योर सबस्टेंस का मतलब एलिमेंट मत समझ लेना, क्योंकि प्योर सबस्टेंसेज में सारे प्योर सबस्टेंसेज आते हैं। प्योर सबस्टेंसेज में सारे के सारे प्योर सबस्टेंसेज आते हैं, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड क्या है, गोल्ड एक प्योर सबस्टेंसेज है। गोल्ड क्या है, गोल्ड इज अ प्योर सबस्टेंस। लेकिन क्या गोल्ड एक एलिमेंट है, क्या गोल्ड एक एलिमेंट है? तो बेटा, गोल्ड किससे मिलके बना है, गोल्ड बना है एटम्स से मिलके। AU के एटम्स से मिलके गोल्ड बना होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, एलिमेंट क्या होता है, ऐसे कोई भी सबस्टेंस जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने हो, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। तो जो गोल्ड है, वह है सेम टाइप के एटम से मिलके बना है। गोल्ड किससे मिलके बना है, सेम टाइप के एटम से मिलके बना है, इसका मतलब जो गोल्ड है वह एलिमेंट भी है और प्योर सबस्टेंस भी है। गोल्ड क्या है, एलिमेंट भी है और प्योर सबस्टेंस भी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पानी। जो हमारा प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर है, क्या यह प्योर सबस्टेंस है? जी हाँ, प्योर सबस्टेंसेस तो है, यह प्योर सबस्टेंस तो है। लेकिन क्या यह एलिमेंट भी है, लेकिन क्या वाटर एलिमेंट भी है? जी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वाटर में दो तरह के एटम्स हैं। वाटर में क्या है, दो तरह के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन के एटम्स हैं और दूसरा ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं। और हमने क्या पढ़ा है
कि एलिमेंट ऐसे सबस्टेंसेज होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने हों। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने हों। लेकिन जो वाटर है वह तो दो तरह के एटम से मिलके बना है। इसका मतलब यह है कि जो वाटर है वह एलिमेंट नहीं है। वाटर क्या है? एलिमेंट नहीं है। तो फिर वाटर क्या है? वाटर है कंपाउंड। वाटर क्या है? एलिमेंट नहीं है, वाटर है हमारा कंपाउंड। वाटर कैसा सबस्टेंस है बच्चे? कंपाउंड सबस्टेंस है, क्योंकि वाटर दो तरह के एटम से मिलके बना है। तो अगर कोई सबस्टेंस एक से ज्यादा तरह के एटम से मिलके बना हो तो वह कंपाउंड में आता है, और अगर कोई सबस्टेंस सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो तो वो आता है एलिमेंट के अंदर। ठीक है, समझ में आया? तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है। एलिमेंट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जिसको हम फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिजिकल और केमिकल रिएक्शन से हम उसको फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसको सिंपलर सबस्टेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज एलिमेंट। चलिए देख लेते हैं एक बार। एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स इन टू सिंपलर सबस्टेंस। फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस का यूज करके हम उसको सिंपलर सबस्टेंसेज में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि H2O, तो हम H2O को केमिकल रिएक्शन का यूज करके हम उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास है गोल्ड, गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है। तो क्या हम इसको फिजिकल और केमिकल रिएक्शन का यूज करके क्या हम उसको सिंपलर सबस्टेंसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे कि मान लो गोल्ड से हमें एक गोल्ड की चेन बनानी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस गोल्ड को पहले मेल्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेल्ट करने से जो गोल्ड है वह सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो गोल्ड है वह किसी और सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। चाहे हम इसको गर्म करेंगे, चाहे हम इसको तोड़ेंगे, चाहे हम इसके साथ में कोई भी केमिकल रिएक्शंस करेंगे, यह गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा, इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स ही मिलेंगे। चाहे हम इसको कितना भी तोड़ लें, कितना भी इसको हम हथौड़े से तोड़ लें, लेकिन इसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम्स ही मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो गोल्ड है वह मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सब मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है। क्यों है प्योरेस्ट फॉर्म? जैसा मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर है वह कॉपर के एटम्स से मिलके ही बना होगा, सिल्वर है वह सिल्वर के एटम्स से मिलके बना होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम्स से मिलके बनी होगी, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स पाए जाएंगे। ऑक्सीजन में सिर्फ किसके एटम्स पाए जाएंगे बच्चे? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स ही पाए जाएंगे। क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन के एटम्स ही पाए जाएंगे। तो क्लोरीन क्या है? मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है। जो सिल्वर है उसमें सिर्फ सिल्वर के एटम्स पाए जाएंगे। तो अगर कोई सबस्टेंस सेम टाइप के एटम्स से मिलके बना हो तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। एलिमेंट है उनको हमने थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। कौन कौन से हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसको हम आगे पढ़ेंगे उसमें टोटल 118 एलिमेंट हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से मेटल्स हैं 93। टोटल कितने मेटल्स हैं? 93 मेटल्स हैं। मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, ऐसे ही 93 मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स हैं 18। पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स कितने हैं? 18 नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जैसे कि कार्बन, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। मेटलॉइड्स हैं 7। मेटलॉइड्स जैसे बोरोन, आर्सेनिक, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स हैं। तो इस तरह से
पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिवाइड किया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं वह सारे के सारे नेचुरली अकर्ड हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकर्ड हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है बच्चे, तो ये होता है एलिमेंट। हमने देखा कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। आगे हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपाउंड सबस्टेंसेज। कंपाउंड सबस्टेंसेज क्या होते हैं? तो बच्चे कंपाउंड सबस्टेंसेज ऐसे सबस्टेंसेज होते हैं जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने हों। ऐसे सबस्टेंसेज जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो होते हैं कंपाउंड सबस्टेंसेज। जैसे कि वाटर। वाटर क्या है? एक कंपाउंड सबस्टेंसेज है। क्यों कंपाउंड सबस्टेंस है? क्योंकि जो वाटर है उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वाटर में किसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? H2O के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जो वाटर है वह H2O के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। तो वाटर में अगर सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स ही पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वह प्योर वाटर है। तो जो एलिमेंट होते हैं वह तो प्योर फॉर्म होती ही है, लेकिन जो कंपाउंड है वह भी मैटर की प्योर फॉर्म होती है। क्यों प्योर फॉर्म होती है? क्योंकि अगर किसी मैटर में सेम तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वह वाटर प्योर वाटर है। तो अगर किसी सबस्टेंस में सेम तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वह भी मैटर की प्योर फॉर्म है। हमने क्या पढ़ा था? प्योर सबस्टेंसेज क्या होते हैं? प्योर सबस्टेंसेज ऐसे सबस्टेंसेज होते हैं जो या तो सेम टाइप के एटम से बने हों, या फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल से बने हों, या फिर सेम टाइप के आयन से बने हों, उनको हम प्योर सबस्टेंसेज बोलते हैं। तो जो कंपाउंड सबस्टेंसेज हैं वह भी मैटर की प्योर फॉर्म है। तो जो H2O है वह क्या है? एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किससे बनता है? मॉलिक्यूल बनता है एटम से मिलके। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है बच्चे? H2O। तो H2O है मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इसके एटम्स। तो जो वाटर है उसमें दो तरह के एटम्स पाए जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ही मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब वह प्योर फॉर्म है। लेकिन अगर कार्बन डाइगैस के अंदर किसी दूसरी गैस के भी मॉलिक्यूल्स आ गए तो फिर वह इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं तो वह प्योर फॉर्म मानी जाएगी। अमोनिया। अमोनिया में अगर सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब वह प्योर फॉर्म है। NaCl। NaCl में अगर सिर्फ सोडियम और क्लोरीन के ही मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, सॉरी एटम्स पाए जा रहे हैं, तो वह सोडियम क्लोराइड की प्योर फॉर्म है। ठीक है, समझ में आया बच्चे कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? तो एलिमेंट और कंपाउंड बहुत ही आसान है। एलिमेंट ऐसे सबस्टेंसेज होते हैं जो सेम तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, और कंपाउंड ऐसे सबस्टेंसेज होते हैं जो सेम तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होता है। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा है कि एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, कंपाउंड सबस्टेंसेस क्या होते हैं। तो आगे के सेशंस में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो वीडियोस को पूरा देखना जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नौकर के साथ।